ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वो कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने और उसके वितरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के किसी भी प्रयास में अमेरिका शामिल नहीं होगा। ट्रंप के अनुसार वो WHO से कोई संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि पूर्व में भी उसने उन देशों की तरफदारी की है जिनकी वजह से दुनिया में ये महामारी फैली। जुलाई की शुरुआत में WHO से अमेरिका के बाहर निकालने के व्हाइट हाउस के फैसले के बाद इस दिशा में अकेले आगे बढ़ने का फैसला आया। ट्रंप ने दावा किया है कि WHO में सुधार की जरूरत है और वो चीन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। कुछ राष्ट्रों ने टीका आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर काम किया, लेकिन अन्य बीमारी के खिलाफ सफलता सुनिश्चित करने के प्रयासों में साझेदारी कर रहे हैं। विश्व के 150 से ज्यादा देश कोविड-19 टीका वैश्विक पहुंच सुविधा या कोवैक्स की स्थापना कर रहे हैं। WHO से संबंधित इस सहकारी प्रयास के तहत राष्ट्रों को संभावित टीकों के पोर्टफोलियो का लाभ मिल सकेगा, जिससे वो प्रभावी लगने वाले टीके को अपने नागरिकों को जल्द से जल्द दे पाएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।